नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा, जान ले ये जरूरी नियम। आज से बदल जाएंगे ये नियम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज पेश करेंगी बजट। आर पार के मूड में उपेंद्र कुशवाहा, सीएम नीतीश से मांगा अपना हिस्सा। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज होगा T20 सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 42 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर के कुल मिलाकर 82 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए www.unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 12 फरवरी 2023 तक है। वह इन पदों पर आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ ले और फिर इसकी जांच करने के बाद आवेदन करें। एप्लीकेशन फॉर्म में जरा सी गड़बड़ी पकड़ में आने पर आवेदन पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english.recruitment.aspx पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज से बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा, जान ले ये जरूरी नियम। आज से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे पहले हम आपको इस परीक्षा से जुड़ी कुछ गाइडलाइन बता देते हैं जो परीक्षार्थियों के लिए काफी अहम है। बता दें कि BSEB के द्वारा ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में बताया गया है। बता दें कि वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में कुल 13,18,227 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए पहली बार समिति के द्वारा अलग अलग यूनिक ID जारी किया गया है। मालूम हो कि परीक्षा केंद्र पर 200 मीटर तक धारा 144 लागू किया गया है। वहीं छात्रों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रवेश कर लेना है, और अगर कोई परीक्षार्थी समय से नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में छात्रों को कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आदि लेकर नहीं जाना है। वहीं राज्य सरकार द्वारा जारी SOP तथा कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन किए जाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज पेश करेंगी बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से 1 फरवरी को यानी कि आज संसद में बजट पेश किया जाएगा। अगर आप भी बजट के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें सांसद टीवी, दूरदर्शन और यूट्यूब है। लेकिन आपको बता दें कि अब आपके इस ऑप्शन में मोबाइल का एक ऐप भी जुड़ गया है जिसमें आप बजट से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बता दें कि इस ऐप का नाम यूनियन बजट मोबाइल ऐप है, जो कि संसद में बजट पेश होने के तुरंत बाद हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको बजट उपलब्ध करवा देगा। इस ऐप में बजट को डॉक्यूमेंट्स के रूप में अपलोड किया जाएगा। आप ऐप को गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ www.indianbudget.gov.in की वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बजट केंद्र सरकार का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आखिरी पूर्ण बजट होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि यह बजट 2023-24 अगले 25 सालों के लिए टेम्पलेट करेगा। मनरेगा में फरवरी से लगेगा बायोमेट्रिक हाजिरी, रुकेगा फर्जीवाड़ा। मनरेगा के तहत उसमें काम करने वाले मजदूरों को सही समय पर भुगतान मिल सके और फर्जीवाड़ा को रोका जा सके, इसके लिए फरवरी माह से कुछ तैयारियां की जा रही है। बता दें कि अब मनरेगा मजदूरों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना ताकि उनके काम करने के सही समय का पता लगाया जा सके और उसी के हिसाब से उन्हें भुगतान दिया जा सके। बता दें कि इस काम को 2 चरण में पूरा किया जाएगा, जिसमें से पहले चरण में जिन मजदूरों के पास जॉब कार्ड है उसे आधार से लिंक किया जा रहा है, और दूसरे चरण में मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद भुगतान की व्यवस्था लागू की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा में मजदूरों की संख्या 2,82,32,278 है, जिनमें सक्रिय मजदूर केवल 92,72,745 है, और अब तक सूबे में 92.72 लाख सक्रिय मनरेगा मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज से
बदल जाएंगे ये नियम। आज यानी कि 1 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, जिसे 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। वहीं कई नियम ऐसे भी हैं जिन्हें आज से ही लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि आज पेश होने वाले बजट में बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड से बिल चुकाना महंगा किया जाएगा। दरअसल कंपनी ने घोषणा की है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किराए के भुगतान पर 1% शुल्क होगी। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में देश की बड़ी कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने यात्री वाहनों के दामों में औसतन मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 1.2% की बढ़ोतरी की है। इंडिगो दिल्ली इस्तांबुल मार्ग पर बोइंग 777 विमान का संचालन करेगी। इन सभी में बदलाव 1 फरवरी 2023 यानी कि आज से ही लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। कीमतें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। सरकार बिहार के इन ईंट भट्टा मालिकों पर कसेगी नकेल। बहुत जल्द ही सरकार बिहार के उन ईंट भट्टा मालिकों पर नकेल कसने वाली है जो सरकार को टैक्स चुकाए बिना अपना ईंट भट्टा चला रहे हैं। बता दें कि खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक नैयर इकबाल की अध्यक्षता में हाल ही में राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ईंट भट्टों से होने वाले राजस्व संग्रह पर चर्चा की गई और यह निश्चय किया गया कि अब सरकार के द्वारा इन ईंट भट्टों को बंद करवा दिया जाएगा जो टैक्स नहीं चुकाते हैं, और साथ ही उस ईंट भट्टों में जितने भी ईंटों का निर्माण करवाया गया है उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही निदेशक के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया है कि जिन जिलों में ईंट भट्टों से शून्य भुगतान हुआ है उनके खिलाफ जिला में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी रिपोर्ट तैयार कर राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। नवादा में शिक्षक की विदाई पर रो पड़े बच्चे। बीते दिन मंगलवार को नवादा के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय निमदारगंज के प्रभारी प्रधानाध्यापक दयानंद प्रसाद की विदाई पर उस विद्यालय के बच्चे सर का हाथ पकड़कर फफक फफक कर रो पड़े और उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वहीं दयानंद भी खुद को रोक नहीं पाए। एक बच्ची ने माइक लेकर कहा कि वह बड़ी होकर दयानंद सर की तरह ही शिक्षक बनना चाहती है, तो वहीं दूसरे बच्चे ने सर से वादा किया कि वो वैज्ञानिक बनेगा। इसके अलावा विद्यालय की ओर से दयानंद प्रसाद को श्रीमद् भगवद् गीता और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों ने रोते हुए कहा कि आपके बिना हमें पढ़ने में मन नहीं लगेगा सर, अब हमें विद्यालय में और छुट्टी के बाद भी पढ़ने लिखने के लिए कौन कहेगा। सीएम नीतीश ने की ललित भवन में लगी ललित नारायण मिश्र की प्रतिमा का अनावरण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना के ललित भवन में बिहार स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के द्वारा निर्माण करवाई गई पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और जेडीयू के विधान पार्षद विजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर विजय कुमार सिंह के कहते हैं कि हम लोग काफी समय से सोच रहे थे कि ललित भवन में ललित नारायण मिश्र की प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन सड़क निर्माण के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बाद हम लोगों ने यहां प्रतिमा बनवाया और आज खुद नीतीश कुमार इसका अनावरण किए हैं। उन्होंने कहा कि ललित बाबू ने निश्चित तौर पर सहकारिता के क्षेत्र में जो काम दिखाया है वह अनुकरणीय है। उनको याद करते हुए आज हम लोग इस मूर्ति का अनावरण किए हैं। बजट से बिहार के कृषि मंत्री का स्पेशल डिमांड। आज बजट पेश होने वाला है और ऐसे में बीते दिन बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने केंद्रीय कृषि बजट पर उम्मीद जताते हुए स्पेशल डिमांड की है। उन्होंने कहा कि बिहार में फर्टिलाइजर की समस्या है। सरकार की ओर से लगातार 12.5 लाख मेट्रिक टन खाद की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से 6.5 लाख मेट्रिक टन खाद बिहार को मिली है। ऐसे में बिहार के किसान कैसे खुशहाल रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है या बिहार सरकार की। अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो सही समय पर हमें यूरिया डीएपी की उपलब्धता करा दे, हमारे बिहार का किसान खुश हो जाएगा। उन्होंने यह कहा कि केंद्र सरकार बिहार के किसानों को अच्छी पॉलिसी दे ताकि यहां के किसान खुश हो सके। प्रदेश में आज से फिर बढ़ सकती है ठंड। आईएमडी पटना के पूर्वानुमान के अनुसार 1 फरवरी यानी कि आज से बिहार में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है। दरअसल बिहार में अब पछिया और उत्तर पछिया हवा तेज गति से चलेगी, इससे पूरे प्रदेश में पारे में 2 से 4 डिग्री तक की कमी आ सकती है। इससे लोगों को फिर से ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की और गिरावट आने से ठंड बढ़ेगी। सुबह और शाम में ज्यादा ठंड लगेगा। अगले 5 दिनों तक पछुआ हवा सताएगी। वैसे पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी। उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है।
नीतीश सरकार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने लगाई बड़ी छलांग। केंद्र सरकार के द्वारा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2020-21 लॉन्च की गई। बता दें कि इस रिपोर्ट में बताए गए आंकड़े के अनुसार बिहार में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। बिहार में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में लगभग 36% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में औसतन बढ़ोतरी 7.4% हुई है। आंकड़े के अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी पर कॉलेजों की संख्या अब 8 है, यानी कि बिहार में पिछले साल की तुलना में इस साल कॉलेजों की संख्या में 18.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिहार में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पिछले साल की तुलना में 12.1% से बढ़कर 15.9% हो गई है। इसके साथ बिहार में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का कुल नामांकन 23.60 लाख पहुँच गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पंडित बुद्ध देव दास गुप्ता के बारे में। पद्मभूषण बुद्ध देव दास गुप्ता का जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ था। यह एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और सरोद वादक थे। उन्होंने पंडित राधिका मोहन माइत्रा से सरोद वादन सीखा था। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके पूर्व उन्हें वर्ष 2015 में संगीत महासम्मान और बंगाल विभूषण से सम्मानित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे बहुत देर हो चुकी है कहकर लौटा दिया था। तत्पश्चात उन्हें जनवरी 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1993 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2011 में संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ताजिकिस्तान में फंसे सिवान के मजदूर वापसी के लिए लगा रहे सरकार से गुहार। ताजिकिस्तान में रोजी रोटी की तलाश में गए दर्जन भर भारतीय मजदूर अब वहां कंपनी की मनमानी के कारण फंस गए हैं। इन फंसे मजदूरों में आधा दर्जन से अधिक युवक बिहार के हैं। बता दें कि सभी युवक अपनी वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल इन युवकों को विदेश भेजने वाली दिल्ली की परी इंटरप्राइजेज ने लाखों रुपए लेकर वहां की TGM कंपनी के लिए एक महीने पहले भेजा था। एग्रीमेंट के अनुसार 11 घंटे ड्यूटी और खाने पीने की जिम्मेदारी कंपनी की थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद 11 घंटे के बजाय मजदूरों से 14 घंटे काम करवाया जा रहा है और खाने के नाम पर उबला हुआ आलू और चावल के साथ साथ पीने के लिए पहाड़ों से बहने वाला गंदा पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा मजदूरों को परिजनों से बात भी नहीं करने दिया जा रहा। गया में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। बीते दिन शेरघाटी थाना क्षेत्र के नीमा गांव में ग्रामीणों के द्वारा छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया और साथ ही वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग के 6 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। बता दें कि इसके बाद दोबारा शेरघाटी चेरकी बोधगया और अन्य थाना दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और वहां से क्षतिग्रस्त वाहन को वापस लाया गया। वहीं वे पुलिसकर्मी जो घायल हो गए थे उन्हें इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार आजाद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें शेरघाटी थाना क्षेत्र के नीमा गांव में शराब बेचने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम उक्त गांव में छापेमारी करने पहुंची। वहीं छापेमारी के दौरान एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद आक्रोशित नीमा गांव के 2 से 3 ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी यह जारी रहेगा। नागालैंड चुनाव में इतने प्रतिशत से ज्यादा वोट आए तो जेडीयू बन जाएगी राष्ट्रीय पार्टी। जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा सके इसके लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा लगातार कवायद की जा रही है। इसके लिए जेडीयू को नागालैंड चुनाव में 6% वोट लाना होगा या फिर 3 विधानसभा सीट जीतनी होगी। अगर जेडीयू ऐसा करने में सफल हो जाती है तो पूरी संभावना है कि जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं इस पर ललन सिंह की पूरी उम्मीद है कि इस मुहिम में जेडीयू कामयाब हो जाएगी। ललन सिंह के इस मुहिम को और मजबूत करने के लिए बिहार के तेज तरार मंत्री संजय झा, अफाक आलम, राज्यसभा एमपी अनिल हेगड़े के साथ नागालैंड में कैंप कर रहे हैं। हालांकि जदयू यह भी कोशिश कर रही है कि किसी समान विचारधारा वाले दल के साथ उनका गठबंधन भी हो जाए। हालांकि आरजेडी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जानकारी के लिए बता दें कि 27 फरवरी को 60 सीटों के लिए नागालैंड में विधानसभा का चुनाव है। वहीं नामांकन करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी को। स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल में भर्ती नवजात की मां को अब मिलेंगे मुफ्त भोजन। अस्पताल प्रशासन की तरफ से अस्पताल में भर्ती नवजात की माताओं को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। बच्चे के किसी एक परिजन को मां के अनुपस्थिति में भर्ती रहने की अवधि तक भोजन दिया जाएगा। बता दें कि इस बात की घोषणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। प्रत्यय अमृत, जो कि विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को इसके संबंध में पत्र भेजा है। विभाग द्वारा कहा गया है कि बीमार नवजात के उपचार के लिए विशेष नवजात देखभाल
देखभाल इकाई और नवजात गहन देखभाल इकाई की स्थापना राज्य के सदर अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालयों में की जाएगी। दरअसल उच्च तकनीकी द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों के देखरेख में यहां गंभीर बीमारी से पीड़ित नवजातों का उपचार किया जाता है। आर पार के मूड में उपेंद्र कुशवाहा, सीएम नीतीश से मांगा अपना हिस्सा। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने पार्टी के उस हिस्से की मांग कर दी है जो हिस्सा नीतीश कुमार ने 1994 में लालू यादव से मांगा था। दरअसल बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे जेडीयू में बहुत इज्जत दी गई है, लेकिन मुझे यहां नीतीश कुमार ने झुंझुना पकड़ाया है। केवल मुझे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन कभी कोई अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुझसे भी नहीं पूछा गया कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। कई बार मैंने खुद सुझाव भी दिया, लेकिन मेरे सुझाव पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैंने कहा कि पार्टी का हिस्सा लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूं। तो मुझे वो हिस्सा चाहिए जो 1994 में लालू यादव से नीतीश कुमार ने मांगा था। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने किया ये बड़ा दावा। बीते दिन जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा दावा किया गया। बता दें कि उन्होंने ये दावा उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर किए गए सवाल पर किया है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों पर अब क्या कहा जाए। उन पार्टी ने उन्हें तीसरे नंबर का पद दिया, लेकिन उस पद को वो झुंझुना समझ रहे हैं, तो उनके बयानों पर क्या प्रतिक्रिया दिया जाए। कुछ भी प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वो राजनीतिक मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। हमारे नेता पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले उनमें जरा भी राजनीतिक मर्यादा और नैतिकता है तो विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे, उसके बाद बयानबाजी करे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने जो भी उन्हें दिया है उसे त्याग पत्र दे दे। बीजेपी प्रवक्ता का दावा, आरजेडी जेडीयू के बीच सीक्रेट डील। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के बीच बयानबाजी लड़ाई चल रही है, इसी बीच भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी कर दावा किया गया है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच एक सीक्रेट डील चल रही है और कुशवाहा जल्द ही पार्टी से निकाले जाएंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजद जदयू सीक्रेट डील में श्री उपेंद्र कुशवाहा को जदयू से और श्री जगदानंद सिंह को राजद से बाहर करना शामिल है। जितना डिप्टी सीएम तेजस्वी को उपेंद्र जी खटक थे, उतना ही सीएम नीतीश को जगदानंद बाबू खटकते हैं। निखिल आनंद ने तंज कसते हुए कहा कि जगदा बाबू फिलहाल बाहर जाते जाते टिक गए, देखना है उपेंद्र जी का क्या होता है। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज होगा T20 सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला। भारतीय टीम बुधवार 1 फरवरी को यानी कि आज न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम और निर्णायक T20 मैच खेलेगी। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की T20 सीरीज में दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है और इसलिए तीसरे मुकाबले को लेकर रोमांच सातवें आसमान पर है। बुधवार को होने वाले मुकाबले के बाद भारतीय टीम लंबे समय तक T20 इंटरनेशनल नहीं खेलेगी। इस मैच के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ घर पर बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश में दोहरा शतक जड़ने के बाद ईशान किशन लय हासिल करने में नाकाम रहे हैं। वहीं शुभमन गिल भी वनडे वाला फॉर्म T20 सीरीज में रखने में नाकाम रहे। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में राहुल त्रिपाठी मिले मौकों को भुनाने में नाकाम रहे हैं। रविवार को लखनऊ की धीमी पिच पर 100 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में भारतीय बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की सधी हुई पारी की बदौलत भारत ने मुश्किल से लक्ष्य को हासिल किया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। कलकत्ता बंगाल क्लब की स्थापना 1827 में हुई। दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना 1881 में हुई। डाक बीमा योजना 1884 में लागू हुआ। असहयोग आंदोलन तेज करने की जानकारी महात्मा गांधी ने 1922 में भारत के वायसराय को दी। भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में हुई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण का गठन 1972 में हुआ। राष्ट्रीय संवाद समिति समाचार का गठन 1976 में हुआ। भारतीय तट रक्षक बल का गठन 1977 में हुआ। भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1977 में हुई। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भारत के महेश भूपति और सानिया मिर्जा की जोड़ी ने 2009 में पहली बार मिक्स्ड डबल का खिताब जीता। चार देशों के पंजाब गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में 2009 में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। भारत में पहली बार 1 फरवरी साल 2017 में सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश किया गया। यही नहीं, 93 साल बाद भारतीय बजट के इतिहास में रेल बजट को आम बजट में फिर से शामिल कर लिया गया।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी नियुक्ति पत्र में दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया जा रहा है जिसके लिए 4,950 रुपए जमा करने होंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसा कोई भी नियुक्ति पत्र लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी नहीं किया गया है। व्हाट्सएप पर सेफ मैसेजिंग के लिए अपनाएं ये तरीका। चैटिंग के लिए मेटा के पॉपुलर चैटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी सेफ चैटिंग का पूरा ख्याल रखना चाहिए। यूजर्स की सुविधा का खास ख्याल रखते हुए चैटिंग ऐप पर कई फीचर्स पेश किए गए हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पर अनवांटेड मैसेज बार बार आता है तो तुरंत उस स्थिति में यूजर को ब्लॉक कर दे और रिपोर्ट कर दे, और साथ ही किसी भी अनजान शख्स से निजी बातें और बैंकिंग की जानकारी साझा करने से बचे। और अगर आप निजी जानकारी साझा कर भी देते हैं तो अपनी सुविधा के मुताबिक 24 घंटे 7 दिन और 90 दिन की डिसअपीयरिंग सेटिंग कर ले। इस फीचर के मदद से एक समय के बाद चैट खुद डिलीट हो जाती है। इसके साथ ही कई बार यूजर्स अपने खास कॉन्टैक्ट से चैटिंग के दौरान प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किसी तीसरे कॉन्टैक्ट का प्रवेश चैटिंग में परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए प्रोफाइल पर ऑनलाइन स्टेटस 100 होने की सेटिंग को चेक कर ले। प्रदीप पांडे चिंटू ने इस मामले में खेसारी लाल और पवन सिंह को भी छोड़ा पीछे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू ने भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और मेगा स्टार को खेसारी लाल यादव को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू के इंस्टाग्राम पर फॉलो करने वाले लोगों की संख्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को फॉलो करने वाले से ज्यादा हो गई है। मालूम हो कि पवन सिंह को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने वाले लोगों की संख्या 2.3 मिलियन है तो वहीं खेसारी लाल यादव को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या 2.7 मिलियन है, जिसको पीछे छोड़ते हुए प्रदीप पांडे चिंटू को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने वाले लोगों की संख्या 3.1 मिलियन से ज्यादा हो गई है। ऐसे में ये दोनों स्टार प्रदीप पांडे चिंटू से पीछे रह गए हैं। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की मांग। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने काफिले पर हुए पथराव को लेकर मांग करते हुए कहते हैं कि इस कांड की जांच डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी अपने स्तर से करे और साथ ही मुख्य सचिव भी इस मामले पर अपने स्तर से जांच करे। इसके साथ ही कुशवाहा ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए और साथ ही अपने ऊपर हुए हमले का वीडियो भी दिखाया। वहीं पुलिस पदाधिकारियों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया। इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद पर हुए हमले को लेकर मांग करते हुए कहा कि इस मामले की जांच डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी अपने स्तर से करें ताकि सच्चाई को बाहर लाया जा सके। बता दें कि सोमवार की रात को बक्सर से पटना लौटने के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन कुशवाहा, रंजीत मिश्रा, पंकज कुमार दास, श्वेता रॉय, रूपेश कुमार, मृत्युंजय कुमार, कुश कुमार यादव, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश सिंह, कन्हैया कुमार, अतीक खान, निवास कुमार, रंजीत कुमार, कविता कुमारी, मंगिता भारती। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले जाने वाले T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।